नमस्कार, खबर सारा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और बात करते हैं एक विचित्र खबर की। सो गया तो समझो मर गया। डर्बीशायर लंदन के 17 वर्षीय लियाम एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण जैसे ही वो बिना किसी मशीनी सहायता के सोएगा वैसे ही उसकी मौत हो जाएगी। ये कंजेनिटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम से ग्रसित है। इस दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा इंसान जैसे ही सोता है उसका नर्वस सिस्टम सांस लेने संबंधी आदेश नहीं दे पाता, जिससे नींद में ही पीड़ित की मौत हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे मरीज जब चाहे जहां चाहे सो नहीं पाते। उन्हें मशीन की मदद लेनी पड़ती है ताकि जब भी वे सोएं मशीन की मदद से उनकी सांसें चलती रहे। मिरर की खबर के अनुसार डॉक्टरों ने जन्म के दौरान ही कह दिया कि 6 हफ्तों के भीतर ही उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन माता पिता ने कहा कि उनके बच्चे की जीने की चाहत ही थी जिसके कारण उसने इतना लंबा सफर तय किया। लियाम के माता पिता किम और पीटर ने कहा कि वो हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। वो जब भी घर से बाहर जाते हैं वेबकैम की मदद से बच्चे पर नजर रखते हैं। लियाम के कमरे में केवल चिकित्सा उपकरण ही नहीं, टीवी और प्लेस्टेशन सरीखे मनोरंजन के उपकरण भी रखे गए हैं। उसका एक बड़ा भाई, 5 बहनें हैं जिनके साथ वो काफी वक्त बिताता है और खुलकर जिंदगी जीता है।